तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले की अगर आप बात करते हो तो फॉर्मूले के अंदर तो कुछ है ही नहीं। अगर आप सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात करते हो तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, लॉग के आगे जो भी एक्स लगा हुआ है उसको आप वन के नीचे लिख दो, सिंपल। तो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, वन बाय एक्स इंटू मल्टीप्लाई बाय डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग के आगे जो भी लगा हुआ है वो आप यहां पर भी करेंगे। वो अलग बात है कि डी एक्स बाय डी एक्स वन होता है, तो आंसर क्या है, वन बाय एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी बाय डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 2x, तो आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2x, तो 1 के नीचे 2x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कितना, 2x, तो 1 बाय 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट आ गया, डी एक्स बाय डी एक्स इज 1, तो आंसर इज 1 बाय एक्स, 2 से 2 भी कट गया आंसर। तो अगर तो आप सिर्फ कैलकुलस और डिफरेंशिएशन की बात करते हो फिर तो हो गया फॉर्मूला डन, इतना ही चाहिए हमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इससे। तो बस हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को याद किया, डन। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमने लॉग वर्ड यूज तो कर लिया पर हमें ये नहीं पता कि लॉग काम कहाँ आएगा, है ना। चलो एक्स तो वेरिएबल है, समझ में आता है। तो एक टॉपिक है लॉग्स एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर्स। तो लॉग और एक्सपोनेंट्स आपस में रिलेटेड है। जैसे सपोज करें लॉग और एक्सपोनेंट्स के अंदर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे को सॉल्व करना है 28 रेज टू पावर 3, ठीक है। आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं कर दूंगा सॉल्व। कैसे कर दूंगा, आप 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, डन, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको क्वेश्चन आ गया 28 रेज टू पावर 7, कितना जोर लगा लेंगे यार, कितना की कर लेंगे, ठीक। अभी एक्सपोनेंट पावर बहुत बड़ी है, आप इसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन हमारे पास लॉग टेबल्स हैं, कुछ लॉग के ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपने कैलकुलेशंस को इजी करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जो पावर्स हैं, जिसकी बड़ी पावर्स हैं या कुछ डिफरेंट पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो उनको लॉग टेबल मार्केट में मिलते हैं। तो उसमें चार्ट बना होता है, पूरा टेबल बना होता है, लॉग टू की वैल्यू, लॉग थ्री की वैल्यू, लॉग फोर की वैल्यू, लॉग फाइव की वैल्यू, सब गिवन होता है उसमें। तो वो वैल्यूज चार्ट देख के आप ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आपकी केमिस्ट्री के अंदर भी शायद लॉग टेबल देखना सिखाएंगे आपको केमिस्ट्री वाले, मैथ्स वाले तो सिखाएंगे ही, फिजिक्स में हमें लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं होती, तो हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं है लॉग टेबल्स की। पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लॉग की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम जरूर करेंगे, वो फिजिक्स में कभी कभी यूज हो जाती हैं। तो लॉग एक्सपोनेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, और जहां एक्सपोनेंट टर्म्स यूज हो रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉग को यूज करते हैं, ठीक है। जहां पावर्स यूज हो जाती हैं, जैसे सपोज कल को क्वेश्चन आ गया वाई इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2 रेज टू पावर कुछ भी, 2 रेज टू पावर एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। अब आपको नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करना है, या आपको नहीं पता कि अगर सपोज क्वेश्चन में ये आ गया कि सपोज क्वेश्चन है कि 3 या कुछ भी कोई नंबर इज 2 रेज टू पावर x, एनीथिंग 2 पावर x, तो यहाँ मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। मैं नंबर लेता हूँ सपोज यहाँ पर नंबर है 64, 2 की पावर x, आपको कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं कर ही लूँगा, x निकाल लूँगा क्योंकि 2 की पावर लिख दूंगा यहाँ पर आंसर। बट कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जिसमें आप ये कैलकुलेशंस कर नहीं पाएंगे, मान लो ये नंबर 200 समथिंग होता और ये नंबर भी कुछ और होता, फिर क्या करते, 2 का पहाड़ा तो सबको आता है, 2 का टेबल आता है सबको, पर बाकी टेबल तो नहीं आते बड़े बड़े। तो ऐसी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल्स यूज हो जाते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये तो आसान एक इजी जो है क्वेश्चन है जो आप ओरली कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं तो ओरली नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे, अब लॉग टेबल से करोगे। अब लॉग टेबल्स की अगर बात करें तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो जो लॉग है वो किसी नंबर का अगर हमें निकालना है, जैसे लॉग ऑफ 2 वैल्यू निकालनी है, तो आप टेबल देखेंगे
लॉग टू की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर देखें, आपके मोबाइल के अंदर भी है कैलकुलेटर, साइंटिफिक बन जाता है, उसमें लॉग लॉग एक्सपोनेंट सब गिवन होता है, हाउ टू कैलकुलेट लॉग वैल्यूज। तो आप उसमें टू पुट करें, उसका लॉग पुट करें, उसके सामने एक वैल्यू आएगी। यही काम आप लॉग टेबल्स में, बुक मिलती है लॉग टेबल्स की वैल्यू इस चार्ट में देखें, उस चार्ट के अंदर, उस टेबल के अंदर वो वैल्यू सेम आएगी। वो अलग बात है कि कैलकुलेटर में वो ढूंढना नहीं पड़ता, वो चार्ट पूरा मैनुअल तो चार्ट ढूंढना पड़ता है, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करोगे लॉग टू आ जाता है। तो काम कैसे होता है लॉग के अंदर वो हम नहीं देखेंगे कि हम करेंगे क्या उसी कैलकुलेशन को सॉल्व करके। तो लॉग किसी नंबर का हम निकाल सकते हैं कि रूल नंबर वन है, ठीक हो गया यहाँ तक। तो जैसे लॉग टू निकाल सकते हैं, लॉग फाइव निकाल सकते हैं, लॉग टेन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं रूल नंबर टू। लॉग कोई नंबर जब निकलता है, लॉग का एक बेस होता है, बेस भी होता है, बेस का मतलब ये यहां पर एक सबस्क्रिप्ट होता है नीचे की तरफ। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये टेन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लॉग ऑफ टू टू द बेस टेन। ऐसा भी आ सकता है लॉग ऑफ टू टू द बेस टू, लॉग ऑफ टू टू द बेस थ्री। आप सोचेंगे ये बेस का चक्कर क्या है, बेस का चक्कर हमें अभी कुछ करना नहीं है, लेकिन लॉग के बेस होते हैं ये पता होना चाहिए। जब लॉग सीखेंगे तो बेस समझ में आ जाएगा। आप ये पूछेंगे कि इन वैल्यूज, ये जो मैंने लिखे तीन क्वेश्चंस, क्या इनकी वैल्यूज डिफरेंट आएगी? बिल्कुल डिफरेंट आएगी। अगर बेस चेंज हो रहा है तो आंसर तीनों का क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाती है, आप हो गया यार बड़ा खतरनाक तरीका है, पहले तो ये नंबर चेंज हो गया तो भी आंसर डिफरेंट आएगा, ऊपर से नंबर चेंज नहीं कर रहा बेस चेंज कर रहा हूं तो भी आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ तो डिफरेंट आएगा, तो फिर कितने कितने टेबल्स आएंगे ऐसे मार्केट में कि किस बेस के साथ टेबल लूं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो लॉग बुक आती है टेबल्स, वो बाय डिफॉल्ट अपना बेस लेके चलती है टू द बेस 10। तो हम कैलकुलेशन जो करते हैं क्लास में वो टू द बेस क्या करते हैं 10, और कोई नंबर लेते नहीं टू द बेस 2 3 4 करते नहीं, क्योंकि ऐसे तो नंबर की कोई गिनती खत्म नहीं हो सकती। तो हम क्या बेस लेके चलते हैं 10। तो हम अगर लॉग टेबल देखते हैं या फिजिक्स में कैलकुलेशन जब करेंगे टू द बेस क्या लेके चलेंगे 10। सिंपल है, ठीक है यहां तक। तो ये सिर्फ मैंने अभी इतना बताया कि लॉग किसी नंबर का निकलता है और लॉग का बेस भी होता है, और लॉग बुक के अंदर लॉग का बेस क्या लेते हैं 10। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है लॉग टू, कोई बेस लगाना भूल गया या बेस लिया ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट मैथ्स का रूल है इसका बेस चाहे लिखा हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट उसको ई लेते हैं। मैथ्स में ई एक नंबर है जिसकी, जैसे पाई एक नंबर है 3 समथिंग वैल्यू है, ई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.14 के आसपास होती है या जो भी है 2 समथिंग होती है 2.7, तो ये भी एक नंबर है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेते हैं ई, और जब कुछ भी नहीं लिखा या ई लिखा हुआ है इस लॉग को बोलते हैं कि हमने क्या लिया नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब कि नेचुरली जब लॉग निकलता है तो वो टू द बेस, जब हम बेस नहीं लगाते तो नेचुरली बेस क्या होता है ई बेस होता है, क्लियर है। वैसे हम अपनी कैलकुलेशन किसमें करते हैं टू द बेस 10। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आने वाले टाइम में सिखा दूंगा, पर ये पता लग गया कि नॉर्मली दो बेस में काम होता है, या 10 में होता है या ई में होता है, सिंपल, ठीक हो गया यहां तक। कैसे देखते हैं लॉग टेबल, हमने नहीं देखने। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमने नहीं देखने। कैसे आसान होगी कैलकुलेशंस, हमने भी नहीं देखने। एक्सपोनेंट कैसे सॉल्व हुए, हमने नहीं देखने। हम सिर्फ लॉग को देखना सीख रहे हैं कि लॉग को ऐसे पढ़ते हैं। तो लॉग ऑफ टू टू द बेस ई नेचुरल लॉग है। कभी कभी इसकी जगह लिखा जाता है एल ऑफ एन टू। अगर किसी ने एल ऑफ एन टू लिख दिया तो यानी कि वो नेचुरल लॉग की बात कर रहा है, एन फॉर नेचुरल लॉग। तो बाय डिफॉल्ट उसको यहां ई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किस लॉग की बात कर रहा है नेचुरल, तो इसको नेचुरल लॉग लिखा जाता है। तो कई बुक्स देखेंगे आप एल ऑफ एन के साथ काम करती हैं, वो नेचुरल लॉग है। तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो कोई फर्क नहीं, बात एक ही है, ठीक हुआ यहां तक भी। नेक्स्ट, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प कर सकती हैं फिजिक्स में। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लॉग नहीं समझ में आया हमें या लॉग आए। लॉग समझने में बहुत टाइम चाहिए, कैलकुलस की तरह पूरा चैप्टर है और पूरा हफ्ता लगता है लॉग समझने में, हफ्ते से भी ज्यादा। तो मैं यहां पर लॉग नहीं समझा रहा,
बस आपको लॉग के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं जो आने वाले टाइम में मेरे को जरूरत पड़ सकती है, बस इतनी सी बात है। ठीक, तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक। अब लॉग की प्रॉपर्टीज आप नोट कर लें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग या लॉगरिथम्स एक ही बात है, लॉगरिथम्स का शॉर्ट फॉर्म लॉग है। ठीक, तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ एनी नंबर, आप कोई नंबर निकालो और अगर बेस भी सेम हो जाए, नंबर भी सेम बेस भी सेम, आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सीधा, तो जैसे अगर मैं ये देखना चाहूं लॉग ऑफ 5 टू दी बेस 5 1, लॉग ऑफ ई टू दी बेस ई 1, सिंपल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो नंबर और बेस अगर सेम हो जाए आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो अगर किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स में यूज हो जाए लॉग, तो ये वैल्यू ढूंढनी हो तो टेबल देखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं तो पता लग जाता है कि इसकी वैल्यू 1 है। तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग ऑफ सपोज एक्स रेज टू पावर एन, बेस कुछ भी हो, मैं लिख नहीं रहा तो बाय डिफॉल्ट बेस ई है, कोई मर्जी बेस ले लो, अगर मान लो एक्स के ऊपर एक्सपोनेंट है, इसको लिखा जा सकता है एन इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये रूल है, मतलब पावर को नीचे लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूं एग्जाम्पल लॉग ऑफ 5 की पावर 2, यानी कि लॉग ऑफ 25 में सॉल्व करना चाहूं, या फिर मैं 2 नीचे ले आऊं इंटू लॉग ऑफ 5, एक ही बात है। कहने का मतलब कि लॉग ऑफ 5 की पावर 2, लॉग 25 टेबल में मैं चेक करूं इसकी वैल्यू जो भी आएगी, या मैं 2 इंटू लॉग ऑफ 5 करूं, तो आंसर दोनों में क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर जो भी टर्म है उसका एक्सपोनेंट आगे आ जाता है। ठीक, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक, कभी यूज करनी पड़ जाए तो हम इसको यूज कर लेंगे। वैसे लॉग की प्रॉपर्टी बहुत रेयर यूज होती है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होती। अगर यूज ना होती तो शायद मैं प्रॉपर्टी बताता भी ना, अपने मतलब के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे कहीं ना कहीं लॉग यूज होगा, तो बस इसलिए बता रहा हूँ कि सुनी होगी तो उस टाइम थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उस टाइम भी मेरे को बतानी पड़ेगी, अब भूल जाएंगे, 6-8 महीने में यूज होगी, तो जब भी यूज होगी कम से कम एटलीस्ट आपको पता होगा कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है यहाँ तक? तो ये लॉग की सेकेंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। आप कहेंगे सर बेस, बेस में याद रखना, अगर ये बेस ई है तो ये भी ई, ये भी ई, अगर ये 10 है ये 10, ये 10, अगर ये 2 है ये 2, तो ये 2, तो प्रॉपर्टी वैलिड है। तो मतलब अगर आप लॉग ऑफ, जैसे मान लो 5 कैलकुलेट करते हो, 5 कैलकुलेट करते हो टू द बेस सी, उसकी कोई वैल्यू आएगी, प्लस लॉग ऑफ 6 कैलकुलेट करते हो उसकी कोई वैल्यू आएगी, या फिर आप लॉग ऑफ 5 इंटू 6 कितना 30 कैलकुलेट करते हो, आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम, तो क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लो या इन दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं। ये भी क्लियर है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, सेम प्रॉपर्टी है, उसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें डिवाइड होता है, बस दैट्स इट, ये बात है। ठीक, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक है, तो अगर कभी यूज हो तो ठीक है, नहीं तो दिमाग पे इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं है, इतनी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहो कि इसके बिना मेरे फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आई, क्या हो गया लॉग। नहीं भी बताई होती तो कहीं किताब में लिखी नहीं हुई आपको यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी करने कोर्स में, तो
नहीं भी बताई होती तब भी कोई फर्क ना पड़ता। बता इसलिए दी, कल को लॉग यूज करूंगा कम से कम सुना तो होगा यार लॉग, या केमिस्ट्री में जाओगे कहीं जाओगे कम से लॉग सुन तो रखा है, इतना ही है बस। और एक आखिरी प्रॉपर्टी लास्ट, तो लास्ट प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ, जैसे सपोज लॉग ऑफ 5, या चलो चेंज करता हूं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू वाई। मान लो क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन आएगा फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग हटाना पड़ेगा, तभी एक्स अकेला बचेगा। तो रूल है कि जब भी लॉग राइट पे जाता है, क्योंकि लॉग जो है जब हटता है या वो राइट पे जाता है तभी लॉग हटेगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू, जो ये बेस होता है वो वाई की जगह आ जाता है, और ये जो नंबर है ये वाई इसके ऊपर आ जाता है। दिस इज द वैल्यू, बोला था लॉग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें जैसे सपोज करो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, फाइंड एक्स, तो बोलो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 raised to power, ऐसे सॉल्व होती है चीजें। लेकिन ये हमारे मतलब की नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी करवा ही रहा था तो एक और ऐड करवा दी, हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। तो आप रिलैक्स हो जाएं, आपको अगर ये लॉग नहीं समझ में आया या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही होती है क्योंकि लॉग के बारे में बताया लेकिन लॉग एग्जैक्टली यूज नहीं करना सिखाया कि कैसे एप्लीकेशन है इसकी, वो हमारा पार्ट नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब लॉग यूज होगा तो उस टाइम हम प्रैक्टिकली देखेंगे लॉग को कैसे यूज करना है। फिलहाल बस ये प्रॉपर्टीज के साथ काम इसको खत्म करते हैं और वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, क्योंकि हमारा मेन काम तो डिफरेंशिएशन का है, लॉग स्टडी करने का काम नहीं है हमारा। वो तो चलो मैं थोड़ा भाव में आ गया और मैंने प्रॉपर्टीज लिखवा दी, नहीं तो मैं ना भी लिखवाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक, तो इसमें लॉग के अंदर वापस डिफरेंशिएशन पे आते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या करवाया, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/x इंटू dx/dx। तो आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं, dy/dx ऑफ लॉग ऑफ 2x+1। देखो एक ना एक कॉमन मिस्टेक, वेरी कॉमन मिस्टेक, कई लोग कहते हैं लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, लॉग को मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर देते हैं लॉग ऑफ 2x+log(1)। मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं है कि अगर लॉग के अंदर a+b है तो ऐसे ओपन कर दो, ऐसा कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लॉग की 4-5 प्रॉपर्टीज हैं बस, वही अगर मैच करती हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो लॉग के अंदर ये पूरी एक टर्म है, आप लॉग को ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे। तो मैंने क्या सिखाया था कि लॉग के अंदर जो भी होगा वो कहां पर आएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2x+1। ये स्टेप क्लियर है, इनटू d/dx ऑफ लॉग के अंदर जो भी ब्रैकेट में है वो यहां पर भी आएगा, तो फिर आंसर क्या आएगा, 2x+1 इनटू d/dx ऑफ 2x+d/dx ऑफ 1। तो क्या बनेगा, 2x+1 इंटू 2 dx/dx+0। तो ये टर्म क्या हो गई, 1, आंसर 2/2x+1। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। तो सिंपल फॉर्मूला है 1/x × dx/dx, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लॉग का, इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाओ क्या आंसर होगा, d/dx ऑफ log x डिवाइडेड बाय 1+log x।
क्या लगेगा, u अपॉन v। इसको u, इसको v, तो डिनोमिनेटर इनटू d बाय dx ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस log x into d by dx of log x minus log x, इसे ओपन करते हैं, d by dx of 1 plus d by dx of log x divided by 1 plus log x का होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है इसमें, इसकी डिफ्रेंसिएशन सीधा क्या लिख देनी है, 1 by x। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, वन बाय एक्स। आंसर डन। ठीक है, खत्म हो गया डी बाय डी एक्स डन। हाँ, लॉग एक्स बाय एक्स अगर यहां पर आएगा, हाँ, तो यहां पर लॉग एक्स इंटू वन बाय एक्स लिखना है, एक्स और एक्स काटना नहीं है। लॉग एक्स अलग है, वन बाय एक्स अलग है, क्योंकि लॉग के अंदर का एक्स एक्स से कटेगा नहीं। अब ऐसा लिख लो, वन बाय एक्स इंटू लॉग एक्स, उसे कटने का चक्कर बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कट नहीं करना आपने x और x। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो आपकी सेकंड असाइनमेंट में एक लॉग का क्वेश्चन है, वो आपने करना है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, लॉग ऑफ d बाय dx ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसके अंदर
क्या सिखाया कि लॉग के अंदर जो भी टर्म है वो नीचे आ जाएगी, x माइनस थ्री अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर वन बाय एक्स माइनस थ्री अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर वन बाई टू। ठीक हो गया। तो बस सेम ये स्टेप सेम आएगा, x माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, पावर रूल हाफ नीचे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन की होल पावर एक कम इन टू, अगर पावर पे हाथ रखें हाफ तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, ये एक्स्ट्रा ये भी आएगा। राइट, क्लियर है। तो अब अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहां से लेके यहां तक तो आएगा एग्जैक्टली सेम, तो मैं लिख नहीं रहा हूं यार प्लीज, तो ये सेम है। और इसको जब ओपन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह टू एक्स, सिक्स कॉन्स्टेंट है, डी एक्स बाई डी एक्स वन है, एंड में ये लिख देना आंसर, बाकी सेम है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है। तो लॉग करने के बाद एक लास्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो लास्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का d बाय डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x, एक्सपोनेंट e नंबर है, रेज टू पावर एक्स। तो कई लोग सोचते हैं कि ई तो नंबर है टू पॉइंट समथिंग, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट जीरो होनी चाहिए, पर नहीं, क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है वेरिएबल, तो ओवरऑल ये वेरिएबल है। तो इसका बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, कभी भूल भी नहीं सकता, ई रेज टू पावर एक्स इट सेल्फ, मतलब ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, इससे बढ़िया फॉर्मूला क्या मिलेगा, सेम ही आंसर है। लेकिन एक चीज पीछा नहीं छोड़ेगी, e की जो भी पावर है उसको आगे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट dx बाई डी एक्स, तो करना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, तो आंसर इज e की पावर 2x इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो e की पावर 2x, 2 बाहर आ गया, dx बाई डी एक्स इज 1, डन आंसर। ठीक, तो जिन्होंने लिख लिया ये क्वेश्चन करें, d by dx of e की पावर 2x plus 1।
ठीक, तो आपने इसमें क्या करना है, इसके अंदर आंसर इज e की पावर 2x plus 1 तो होना ही होना है इनटू d by dx ऑफ 2x plus 1, तो e 2x plus 1 इनटू d by dx ऑफ ऑब्वियसली 2 बाहर आ जाएगा और d by dx ऑफ यहां पर क्या जाएगा 1, तो इसके डिफरेंशिएशन 0, इसकी 1, तो e raised to power 2x plus 1 इनटू कितना 2 इज द आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक सबको? ठीक, तो इस क्वेश्चन को करें प्लीज। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। काम करेंगे इसको u और इसको v, तो डिनोमिनेटर log ऑफ x प्लस e की पावर x इनटू d बाय dx ऑफ log ऑफ x माइनस log ऑफ x इनटू d बाय dx ऑफ log ऑफ x प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, log ऑफ x प्लस e की पावर x सही है, इनटू इसकी जगह क्या आएगा 1 बाय x माइनस log ऑफ x d बाय dx ऑफ log x की जगह 1 बाय x और d बाय dx ऑफ e की पावर x की जगह e की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? सेम ही तो है, मतलब बाकी u upon v लगा और log x का फॉर्मूला पता है, e की पावर x का फॉर्मूला पता है आंसर। ठीक, तो आपके असाइनमेंट का 2 का क्वेश्चन नंबर 11 कर दें। तो ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, साइन एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स लगेगा तो फिर से यू अपॉन वी, तो ये यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज लॉग ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, e की पावर x आंसर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे d by dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d by dx ऑफ सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन log x की 1 by x और e की पावर x की e की पावर x। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें?
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन का आखिरी फॉर्मूला था, अब एक नई चीज़ करवाता हूँ, या चीज़ तो पुरानी है लेकिन करवाने का तरीका इसका नया है। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने ये कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, राइट? तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप क्या करें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करके 2x। कोई डाउट इसमें? ये हमने कर लिया, ठीक। तो ये आपका मेथड नंबर वन। मेथड वन में आपने कुछ नहीं किया, आपने y को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। मेथड नंबर टू देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन कर रहा हूं फिर से। अब कभी भी आपको कोई इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वल टू लगा होता है वो इक्वेशन है, तो इक्वेशन का मतलब लेफ्ट और राइट बराबर है, यही है। तो और आपको निकालना क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो आप लेफ्ट वाली टर्म के आगे लगा दें डी बाई डी एक्स, तो आपको राइट के आगे भी लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, ये रूल है। कभी भी कोई इक्वेशन गिवन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करनी है दोनों साइड्स की बराबर बराबर बराबर, क्या डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स अलाउड है, अलाउड है। जैसे इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट ठीक है एक्स एक्स के इक्वल है, क्या प्रॉब्लम है? तो अगर मैं लेफ्ट की तरफ लगाता हूँ डी बाई डी एक्स, तो मुझे राइट की तरफ भी लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, वन। तो ये अलाउड है। तो अगर मैं दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। देखो आंसर में कोई फर्क नहीं है, कौन सा मेथड पसंद है, वन की टू वन, कोई बात रख लो वन, ठीक है। पर टू का पता लग गया, टू भी लग सकता है, कोई डाउट इसमें? तो आप सीधा दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाएं तो अलाउड है मैथ्स में या फिजिक्स में, चलेगा, क्लियर है? आप वन यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, पर आपको ये रूल पता होना चाहिए। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक, फिर ऐसा कर लें, आप वन पे टिके रहें, आपको वन पसंद है ना, आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12